तो भाई लोग आज अपना बर्थडे है तो मैंने सोचा यार क्यों ना मंदिर जाऊँ आज। तो आज की राइड होने वाली है यहाँ से कुल्लू वाली साइड के लिए। ये रहे विक्की भाई एंड ये रही इनकी ड्यूक, देखो ड्यूक 390 है, आप लोग देखो चेकआउट करो। तो इसका नाम रखा है भाई ने स्टेला 2.0। ओ भाई फ्लाई बाय चेक करो गाइस, भाई लोग 128 गाइस, भाई देखो क्या डेंजर रोड है गाइस। भाई लोग कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों पे ब्लॉग? देखो गाइस कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच गया मैं अभी। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज भीमू एंड यू आर वॉचिंग भीमू ब्लॉग्स। तो गाइज आज है 5 अप्रैल, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो भाई लोग आज मेरा बर्थडे है तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज का व्लॉग आज शाम तक अपलोड कर दूँ। मतलब आज का ये व्लॉग डेली व्लॉगिंग की तरह होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:38 हो रहे हैं। वैसे मैं सुबह उठ गया था, सुबह नहाया धोया एंड पूजा वगैरह मैंने कर ली है एंड प्रसाद वगैरह मंदिर ले जा चुका हूँ। तो अभी जस्ट बैठा था, थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया, तो अभी चलता हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये डेली ब्लॉगिंग की तरह ब्लॉग होगा। तो यार खाना खाने से पहले परे अपनी भेड़े हैं जो अपनी गौशाला होती है ना, तो उसके अंदर डाल लेता हूँ एंड फिर खाना खाते हैं। मोटो ब्लॉगिंग अपना एक शौक है एंड बाकी मेरी लाइफ भी एक नॉर्मल लाइफ है। सो मैं जस्ट दिखाता मोटो ब्लॉगिंग हूँ। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये बैक ऑन द कैमरा है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई अपनी लाइफ बहुत ही एंटरटेनफुल है, रियलिटी कुछ और होती है। ये भी कब से आवाज़ कर रहे थे, ओ भाई भाई भाई, ओके। तो इनको डाल देते हैं अंदर एंड अब तुम लोग करो रेस्ट। आज आप लोग देख सकते हो यार धूप बहुत अच्छी खिली है। तो कल अपने गांव में धाम भी थी तो कल मैं वहां गया था एंड आप लोगों को बता दूं मैंने मॉडिफिकेशन किया बाइक में, तो उसके व्लॉग्स मेरे पास पेंडिंग है तो मैं उनको अभी एडिट कर रहा था। वैसे आज बर्थडे का कोई प्लान नहीं है, एक छोटी सी राइड करेंगे एंड मैं सोच रहा था कि मैं अपने कुल देवता के पास जाऊँगा। तो देखते हैं क्या बनता है, अभी तो 10-11 बजने वाले हैं। एंड गाइज मौसम चेकआउट करो आप लोग, भाई आज धूप खिली है बहुत अच्छी। देखेंगे तो अब यार भूख लगी है तो खा लेता हूँ कुछ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये आज का जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग की तरह होगा। तो मतलब जो जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे है हमारा जेरी, हेलो जेरी, ये देखो इसको जेरी, हेलो कर, हेलो जेरी, हेलो। तो अभी इसका कोई मूड नहीं है हेलो करने का। बाकी केक वगैरह का डोंट नो क्या सीन, अगर घर वाले लाते हैं तो कट कर देंगे। तो अभी मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे लग गया अपना ब्रेकफास्ट। वैसे अभी लंच का टाइम होने वाला है, अभी आप लोग देख सकते हो 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैं इसको खाता हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे गाइज। तो गाइज फाइनली अभी पेट पूजा होगी, तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है एंड उसके बाद मैं भी हम लोग एक छोटी सी राइड पे जाएं। तो अभी आप लोग बने रहो ब्लॉग में, तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। तो गाइज अभी मैं निकल चुका हूँ घर से एंड यहाँ पे मैंने फ्यूल अप कर दिया है। सो गाइज ये रहा अपना बीस्ट यहाँ पे। तो आप लोगों को मॉडिफिकेशन दिख गई होगी, तो यार आज का ब्लॉग मैं आज ही डाल दूंगा। इसकी मॉडिफिकेशन का ब्लॉग अभी पेंडिंग है तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट ये जो ब्लॉग अभी आप लोग देख रहे हो ना ये आज ही शूट हुआ है एंड मैं आज इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज अभी चलते हैं, फ्यूल अप अपना हो गया है एंड ये रहा अपना बीस्ट। तो मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं दिखाऊँगा आपको क्योंकि भाई इसका स्पेशल ब्लॉग बना है। तो आज की राइड होने वाली है यहाँ से कुल्लू वाली साइड के लिए। पनारसा से ज्वालापुर के लिए रास्ता जाता है एंड हमारे कुल देवता जी का मंदिर वहीं पे है, श्री लक्ष्मी नारायण जी का। तो वहीं जा रहा हूँ मैं मंदिर। तो भाई लोग आज अपना बर्थडे है तो मैंने सोचा यार क्यों ना मंदिर जाऊँ आज, तो राइड भी हो जाएगी एंड मंदिर भी चला जाऊँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, तो यार मैं कोशिश करूँगा कि आज ये ब्लॉग अपलोड भी हो जाए। तो भाई लोग पंडो डैम का व्यू चेक करो आप लोग, चेक आउट करो व्यू यार। अभी हम लोग 4 लेन पे पहुंच चुके हैं। तो आज की राइड में मैं सोलो हूँ, बिल्कुल अकेला राइड पे जा रहा हूँ। चेक दिस आउट गाइस, यहाँ देखो कितना बड़ा पुल बना है, दो पुल बने हैं भाई। व्यू देखो गाइज, तो भाई लोग किसी दिन हम वहाँ पीछे जाएंगे, देखो पीछे एक वाटरफॉल है तो वहाँ जरूर जाएंगे किसी दिन। तो कभी हम लोग पहुँचने वाले हैं नोगी माता जी के मंदिर, तो चेकआउट करो आप लोग।
माता जी के दर्शन कर लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और कुल्लू या मनाली साइड जब भी आओ तो यहाँ पे जरूर रुकना है, क्योंकि यहाँ पे मान्यता है कि जो भी मंदिर के पास रुकता है तो उनके साथ कोई भी मतलब दुर्घटना वगैरह नहीं होती। तो शूट मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परे मंदिर के पास शूट करना मना है, सो और गाड़ी भी वहाँ खड़ी करना मना है, तो तब करके मैंने बाइक आगे लगाई। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है, एंड अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ से आके यार रोड थोड़ा सही है, पीछे तो भाई लोग कंस्ट्रक्शन वर्क लगा है, तो भाई पूछो ही मत रोड के बारे में। आजा जी इधर आजा, बंदे ऊपर चढ़ने पे तुले होते हैं यार। तो भाई लोग यहाँ से आप लोग वाटरफॉल देखो, ये रहा ऊपर, भाई देखो क्या डेंजर रोड है गाइस। मनाली साइड आना है तो भाई आप लोगों को इसी रोड से होके जाना पड़ेगा। अभी तो 4 लेन भी बन रही है, बट आप लोग देख सकते हो खुद ही ये रोड कितना रिस्की है। भाई लोग मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यार, जो मैंने मॉडिफिकेशन की है ना पीछे जो व्हील कवर लगाए हैं, तो यार पहले इसमें से कोई आवाज़ नहीं आती थी, जब से ये कवर्स लगाए हैं ना तो हाई स्पीड पे मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि विसल बज रही है थोड़ी थोड़ी, विसल भी नहीं अजीब सी विसल बज रही है। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बट ये आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग पहुँच गए फ्लाई ओवर के पास, देखो अभी हम लोग स्लॉट में पहुँचने वाले हैं। भाई लोग 128 गाइस, भाई आज तो बाइक को 128 लगा लिया, बट यार मुझे डर लग रहा है। होप सो आपको भी ये आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि भाई पीछे वाले टायर से आवाज आ रही है, टायर से नहीं है जो व्हील कवर लगाया है ना, तो इसमें से आ रही है ये। भाई 128 लगा ली बाइक आज। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए और टनल के पास। ओहो यार यहाँ पे तो ब्लैक हॉक भाई भी मिल गए। कैसे हो? और फिर हाँ कहाँ चले? कुल्लू। अच्छा तो मैं तो दूर से पहचान गया, मतलब आप ही हो। मैं जा रहा हूँ ज्वालापुर। ज्वालापुर हाँ हाँ चलो। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था गाइस, वैसे मैं भाई से फर्स्ट टाइम मिला। भाई लोग क्या साउंड आ रहा है भाई का, क्रेजी सीन भाई लोग। ओ भाई फ्लाई बाय क्या करो गाइस। चलना है या रुकना है?
भाई साहब। भाई 390 को कहाँ बीट कर पाएगी अपने 200, बट ट्राई पूरी करेंगे गाइस राइड करने की भाई के साथ। ये चेकआउट करो गाइस, ड्यूक 390 भाई ने देखो क्या मॉडिफाई की है भाई लोग। ओ भाई भाई ये तो गायब हो रही है एकदम से। यहाँ पे रुक लेते हैं, ये चेकआउट करो, ये रही भाई की ड्यूक 390 जो कि फुल्ली मॉडिफाइड हुई है आप लोग देख सकते हो। एंड तो इसका नाम रखा है भाई ने स्टेला 2.0। ये चेकआउट करो, भाई ने बोला कि थोड़ी सी गंदी अभी, एंड भाई जब क्लीन होती है तो ऐसे भी भाई बहुत सही लग रही है। आप लोग देखो चेकआउट करो कि जैसे कहीं बैठने का प्लान बना है भाई के साथ, तो थोड़ी सी बातें कर लेंगे। एंड भाई जा रहे हैं कुल्लू, तो भाई मैंने तो वहाँ पीछे से ऊपर जाना था, बट भाई ने बोला बैठते हैं साथ में, तो बैठते हैं आगे। तो कभी हम लोग पहुँच गए टकोली में। आई थिंक यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ ऊपर बैठेंगे मेरे हिसाब से, यहीं बैठेंगे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। आज तो आप लोगों को क्रेजी रील्स देखने को मिलेगी, मतलब मैं शूट अभी कर दूंगा, रील तो आई थिंक कल परसों तक मिलेगी आप लोगों को देखने को, तो भाई के साथ शूट कर लेंगे अच्छे से। ये चेक करें आप लोग, तो भाई लोग ये रहे विक्की भाई, एंड ये रही इनकी ड्यूक, देखो ड्यूक 390 है, एंड ये पूरी तरह मॉडिफाइड है देख लो आप लोग। एंड भाई ने रैप वगैरह सब कुछ किया है देखो, और भाई सब से गजब की बात टायर देखो यहाँ पे 390 पे 180 सेक्शन का लगा है भाई, क्रेजी। अच्छा नहीं मेरे को तो लग गिरा था कि भाई ये नहीं है 150 सेक्शन नहीं है ये, हाँ 180 है। यहाँ पे व्यू चेकआउट करो आप लोग, भाई देखो क्या लोकेशन है यार, बहुत सही जगह लाए थे विक्की भाई। सो अभी चलते हैं, तो भाई लोग अभी करते हैं इस प्यारी सी लोकेशन को बाय बाय। तो भाई यार विक्की भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मिलना हुआ वैसे इनसे, आज बात तो हमारी इंस्टाग्राम पे हुई थी। भाई लोग भाई की बाइक फुल्ली मॉडिफाइड है, आप लोग टायर देखो पीछे वाला 180 सेक्शन का टायर है गाइज, अपनी वाली में 150 सेक्शन का लगा है। ठीक है तो भाई आना पंडो साइड, ठीक है मिलते हैं फिर। हाँ अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बाइक भी देख ली आज, ठीक है भाई ओके। तो गाइज भाई को कर दिया बाय, एंड अभी चलते हैं भाई की और अपनी बाइक आप लोगों को एक फ्रेम में देखने को मिलेगी रील्स पे। तो अगर आप लोगों ने रील चेकआउट करनी है तो मुझे फॉलो कर लो, तो अपनी इंस्टाग्राम आई डी है bimu3287, एंड विक्की भाई की आई डी है blackhawk390। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टा आई डी का लिंक दे दूंगा। भाई यार जगह देखो गाइस कितनी प्यारी है यहाँ पे, मतलब गर्मी का नामो निशान नहीं है, एकदम कूल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। एंड भाई ऐसे रोडों पे भगाने का मन नहीं करता, बस व्यू को एंजॉय करते हुए चलने का मन करता है। देखो आप लोग कितना सही है, रोड भी सही है एंड लोकेशन भी बहुत सही है।
सो हबीबी वेलकम टू हिमाचल। भाई लोग कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों पे ब्लॉग? देखो एकदम पहाड़ी पहाड़ है इधर उधर। वैसे अब मैं काफी हाइट पे आ गया, आप लोग देख सकते हो क्रेजी व्यू भाई। तो ये देखो गाइस कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच गया मैं अभी। और नीचे देख सकते हो आप लोग, नीचे है फोर लेन यार, काफी हाइट पे आ गया मैं। तो अभी मैं मंदिर के पास पहुंच गया, ये लगा अपना बेस्ट वहाँ पे एंड यहाँ पे रहा मंदिर। देखो ये अपने कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। सो अभी चलते हैं नीचे। तो भाई लोग फाइनली मैं मंदिर में जा चुका एंड यार यहाँ पे अभी मंदिर का काम लगा है तो मैं आप लोगों को मंदिर नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा चेकआउट कर लो भाई लोग आप, बाकी मैं ऊपर से दिखा दूंगा आपको। एंड अभी देवता के मंदिर का काम लगा है, अभी मैं मंदिर नहीं दिखा सकता आपको, ऊपर से एक दो सिनेमैटिक ले लूँगा तो वो देख लेना आप लोग। तो भाई लोग यहाँ से देखो कितनी बड़ी खाई है, अगर वहाँ से कोई बंदा गिर गया ना तो वो फिर गिर गया, चाहे बंदा हो गाड़ी कुछ भी हो, गिर गया तो गिर गया। नीचे तक देखो भाई इतनी बड़ी खाई है और वहाँ से रोड है, देखो मैं दिखाता हूँ वहाँ से भी आपको, यहाँ से व्यू चेक करो गाइस। तो भाई यहाँ से देखो आप लोग गाइस क्रेजी सीन है यहाँ पे, बहुत डेंजर है ये टर्न यार, बहुत ही ज़्यादा डेंजर। तो भाई लोग यहाँ से चेक करो नीचे को, दिख रहा है कुछ आपको? तो गाइज यहाँ से नीचे को बहुत बड़ी खाई है भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। यहाँ से देखो आप लोग, मतलब दिख भी नहीं रहा है कुछ, मैं गोप्रो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखो गाइज बहुत डेंजरस खाई है गाइज। यार मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पेंड कर देते हैं यार, इस व्लॉग के चक्कर में मैंने दूसरा व्लॉग एडिट करके रखा है बट यार उसके लिए थंबनेल वगैरह कुछ बनाया नहीं, तो मैं सोचा था कि मैं इसी व्लॉग को आज ही अपलोड कर दूंगा बट डोंट नो आज ये व्लॉग अपलोड हो पाएगा या नहीं, अभी तो यार 5 बज गए हैं वैसे। तो गाइज आज लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, अब डोंट नो मैं आज व्लॉग अपलोड कर पाऊंगा या नहीं, आज के व्लॉग को यहीं पेंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, व्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।